आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, दलित साहित्य की आवाज बयान टीवी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विकलांगता संस्थान नई दिल्ली से एक टीम राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय मंडौली में आई, जहां सहनाज खान विकलांगता के बारे में छात्रों को बता रही है। मेरा नाम शहनाज खान है और मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगता से आई हूँ, जिसका जो मेन ऑफिस है वो आईपीएच पे है, आईटीओ पे, और हमारा एक सैटेलाइट सेंटर दूरस्थ केंद्र सीमापुरी डिपो पे खोला गया है। तो कुछ रिहैबिलिटेशन सर्विसेज हम वहाँ पे चलाते हैं, जिसके बारे में आपको बता देती हूँ। आप लोगों को पता है कि डिसेबिलिटी क्या होती है, विकलांगता क्या होती है? किसी को पता है विकलांगता क्या होती है, डिसेबिलिटी क्या होती है? नहीं पता। मैंने अभी देखा था कि बाहर एक आपके स्कूल का स्टूडेंट ट्राई साइकिल पे आ रहा था, इतनी वो दिव्यांग जन है, उसको डिसेबिलिटी है, उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, उसको पैरों की से उसको प्रॉब्लम है, इसलिए वो ट्राई साइकिल यूज करता है। शायद आप ही के बीच में पढ़ता होगा वो बच्चा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी कुछ रिहैबिलिटेशन सर्विसेज हैं, लाइक फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी हमारी लोकल कम्युनिटी के लिए भी है, क्योंकि फिजियोथेरेपी जो है यानी कि मांसपेशियों का दर्द, आप लोग भी स्पोर्ट्स वगैरह खेलते होंगे तो स्पोर्ट्स में आपको स्पोर्ट इंजरी हो जाती होगी, मसल्स खिंच जाती होंगी आपकी, तो वो किसी को भी हो सकता है। वो स्पेशल ये नहीं है कि क्या कहते हैं किसी हैंडीकैप में वो चीजें होंगी, तो वो किसी को भी हो सकता है, आपके टीचर्स को हो सकता है, आपके पेरेंट्स में हो सकता है, आपके बहन भाइयों में वो चीज हो सकती है, यानी कि मसल से रिलेटेड पेन, तो उसका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ किया जाता है। तो आप में से अगर किसी आपके घर में या आपके आस पड़ोस में या आपको खुद भी किसी को भी मसल्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे सेंटर पे आके दिखा सकते हैं। सेकंड हमारा जो पार्ट है वो है पीएनडो डिपार्टमेंट, पीएनडो यानी कि प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थेटिक डिपार्टमेंट। आप लोगों ने देखा होगा ना कि कई बार आपके आस पड़ोस में भी आपने देखा होगा कि लोग शूज पहन के चलते हैं, स्पेशल शूज होता है। पोलियो सुना है ना, पोलियो तो जानते हो ना, पैर छोटा हो जाता है या शरीर का कोई हिस्सा पतला और छोटा हो जाता है, उसमें देखा है आप लोगों ने, अपने कभी ना कभी किसी ना किसी ने तो देखा होगा ना कि कुछ लोग शूज पहन के चलते हैं, कुछ लोग व्हीलचेयर्स पे चलते हैं, है ना। तो ये बाय बर्थ कुछ लोग विकलांगता जो होती है, कई लोगों को बाय बर्थ होती है, कुछ लोगों का एक्सीडेंटल हो जाती है। जैसे कि अगर किसी का एक्सीडेंट में कोई हाथ या पैर चला गया तो आपने देखा होगा कई लोग नकली हाथ और पैर लगा के चलते हैं, तो वो सारा हमारी एक वर्कशॉप है, तो जिसमें पीएनडो डिपार्टमेंट में ये सारा चीज हमारे यहाँ बनता है, यानी कि नकली टांग हाथ हमारे यहाँ बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा व्हीलचेयर, बैसाखियां और क्या कहते हैं आपका ट्राई साइकिल, जितना भी एक विकलांगता में सहायक जो उपकरण है वो सारी चीज हमारे यहाँ पे मिलती है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, उसका कोई चार्ज हम नहीं लेते, ठीक है। और ये सारी चीजें हमारे पीएनडो डिपार्टमेंट में बनती है। तीसरा हमारे पास है स्पीच थेरेपी। आप लोगों ने देखा होगा आपके कोई, हो सकता है कि स्कूल में भी हो कि किसी को कोई हकलाता है, बोलने में प्रॉब्लम होती है ना, नहीं बोल पाते ना, लोग मजाक उड़ाते हैं ना, है ना। तो वो चीज है कि स्पीच में अगर किसी को दिक्कत है, आप में से भी आपके आस पड़ोस में आपके बहन भाइयों में अगर किसी को दिक्कत है, कोई हकलाता है, कोई तुकलाता है या कोई बोल और सुन नहीं सकता, तो आप लोगों में, आपके पड़ोस में, आपके बहन भाइयों में किसी को भी इस तरीके की दिक्कत है तो वो हमसे आगे मिल सकते हैं। 100% विकलांगता सर्टिफिकेट देना होगा तभी आप लोगों को विकलांगता की सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो अगर किसी का विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं बना है तो वो मेरे पास आ सकते हैं, हम पूरी हेल्प करते हैं उस चीजों में। 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए। आपकी नजरों में अगर किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कोई ब्लाइंड है तो विकलांगता कहलाती है, लेकिन अभी विकलांगता की कैटेगरी बहुत बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने, 21 तरीके की विकलांगता, हर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर रखा गया। बयान टीवी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें।